भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय हरे कृष्ण। श्रीधाम वृंदावन की यात्रा में जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी पहुंचे तो उस समय इनके विषय में वहाँ के मायावादी सन्यासी जो कुछ भी बातचीत किए उसे महाप्रभु प्रभावित नहीं हुए, उनकी उपेक्षा करके वृंदावन चले गए। और जब महाप्रभु प्रयाग में श्रीपाद रूप गोस्वामी को शिक्षा देकर पुनः काशी पहुँचे तो इस बार मायावादियों के प्रति विशेष स्नेहवान होकर उन लोगों के ऊपर विशेष कृपा किए। इन प्रसंगों की कथा कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के सप्तम परिच्छेद में वर्णन किए हैं, जिसको मैं एक बार प्रकाशानंद सरस्वती सहित 25,000 सन्यासियों को उद्धार की कथा करके फिर सनातन गोस्वामी का महाप्रभु से मिलन और 2 महीना काशी में रुक कर सनातन गोस्वामी के प्रति शिक्षा का वर्णन किया जाएगा। इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के 20 से 25 6 परिच्छेदों में वर्णन किया है। हम वैष्णवों के लिए अत्यंत उपादेय प्रसंग है, गंभीरता से सुनना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सबा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार। सबके उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है, फिर भी अलग अलग लोगों के उद्धार की अलग अलग चातुरी प्रस्तुत किए हैं। दक्षिण भारत के यात्रा प्रसंग में सुने विभिन्न प्रकार के लोगों का महाप्रभु उद्धार किए। जब काशी में आए तो सन्यासी लोग इनके विषय में चर्चा कर रहे थे कि देखो सन्यासी होकर यह गायन और नाचन करता है, वेदांत पाठ नहीं करता। सन्यासी है या करें गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। लेकिन वे लोग महाप्रभु के अवतार के विषय में अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं समझ पा रहे थे। अपनी मूर्खता में महाप्रभु पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन सब कुछ सुनकर भी महाप्रभु मन ही मन हंसते थे और उनकी उपेक्षा करके मथुरा चले गए। ब्रजमंडल दर्शन करने के बाद जब लौटे दोबारा काशी में तो चंद्रशेखर जी के घर में निवास किए, तपन मिश्र के यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार किए, क्योंकि महाप्रभु पहले इसी मानसिकता में थे कि 2-4-5 दिन रुककर फिर पूरी चले जाएंगे। सन्यासियों के बीच निमंत्रण नहीं स्वीकार करते थे, मानो महाप्रभु सन्यासियों की उपेक्षा कर रहे, इस रूप में अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे थे। सन्यासी संगे ना ही माने निमंत्रण। और उसी समय काशी में सनातन गोस्वामी पधारे, जिनके साथ महाप्रभु 2 महीना तक भक्ति का ज्ञान प्रदान किए, शिक्षा दिए। सनातन गोसाई आसी तहाई मिलीला, तारे शिक्षाइते प्रभु 2 मास रहिला। तो सनातन गोस्वामी की शिक्षा के बहाने काशी में 2 महीना रुक गए, उनको सभी प्रकार के वैष्णव सिद्धांत की शिक्षा दिए, भागवत शास्त्र के गूढ़ मर्म का उपदेश किए। उसी बीच तपन मिश्र, चंद्रशेखर,
और कुछ ब्राह्मण जो महाप्रभु के भक्त थे, वैष्णव थे, वे लोग आकर महाप्रभु के सामने निवेदन करते थे कि हे महाप्रभु, कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे। दुखी हैया प्रभु पदे कैल निवेदन, कते क सुनिब प्रभु तुम्हारा निंदन। ना पारी सहित वे छाड़ी ब जीवन, अब नहीं सहन हो रहा है, आप यहाँ पर रुके हैं, बार बार चर्चाएं हो रही है आपके विषय में, और वो भी नेगेटिव निंदा लोग कर रहे हैं। महाप्रभु थोड़ा सा हंसे, मन बना लिए भक्तों की इच्छा देख करके इन सन्यासियों का उद्धार होना चाहिए। ठीक उसी समय एक ब्राह्मण आया, महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि महाप्रभु आप हमारे यहाँ एक दिन के निमंत्रण स्वीकार कीजिए, हम अपने घर सन्यासियों को भी निमंत्रित किए हैं, आप कृपा करके पधारते तो बहुत अच्छा होता। यद्यपि महाप्रभु नकार रहे थे कि नहीं, हम सन्यासियों के बीच प्रसाद नहीं लेना चाहते हैं, ना जहाँ सन्यासी गोष्ठी यहाँ मी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी, बहुत अनुग्रह करने लगा। तो महाप्रभु हंस करके स्वीकार कर लिए, ठीक है। तो सन्यासी रे कृपा लागी ये भंगी तहार, सन्यासियों पर कृपा करने का एक बहाना हुआ, और महाप्रभु गए वहां जाकर देखे, प्रकाशानंद सरस्वती सहित 25,000 सन्यासी वहां जुटे हुए हैं, अपार भीड़ है, बड़े बड़े विशिष्ट महंत लोग बैठे हुए हैं। तो महाप्रभु पाद प्रक्षालन करने की जगह जहाँ पैर धोया जाता था वहां ही बगल में बैठ गए, और बैठ करके अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन किए, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। वहां बैठकर करोड़ों सूर्य जैसी आभा प्रकाशित किए महाप्रभु अपने चेहरे से, तो देख करके सारे सन्यासी स्तंभित हो गए। बसिया करील किछ ऐश्वर्य प्रकाश, महातेजोमय बपु कोटि सूर्य भास। प्रभाव से सारे सन्यासी आकर्षित हो गए और अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। उन सन्यासियों में प्रकाशानंद प्रधान थे, वो आए और महाप्रभु का हाथ पकड़कर कहे, इहा ऐसा इहा ऐसा सुना आशीर्वाद, अपवित्र स्थाने बैसक क्यों वो साथ, आप पैर धोने के जगह पर बैठ रहे हैं, क्या तकलीफ है, बैठ आइए आइए। तो महाप्रभु कहते हैं, मैं हीन संप्रदाय में दीक्षित हूँ, आप लोग ऊंच कोटि के सन्यासी हैं, आपके साथ मैं बैठने लायक नहीं हूँ। तो प्रकाशानंद हाथ पकड़ लिए और अपने पास अपने समान आसन पर बिठाए और पूछे कि अच्छा, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी है? कहे हाँ। केशव भारती शिष्य? ताते तुम्हें धन्य, ठीक है ना, केशव भारती के आप शिष्य हैं, अच्छा है, आप तो संप्रदायी सन्यासी हैं, फिर भी हमारा दर्शन क्यों नहीं करना चाहते हैं, की कारण है अमा सबा ना करो दर्शन है? दूसरी बात कि सन्यासी होकर आप नर्तन गायन करते हैं, सन्यासी हैया कर नर्तन गायन भाव सब संगे लैया कर संकीर्तन, सन्यासी होकर धीर गंभीर मुद्रा में होना चाहिए, तो आप नाचते गाते हैं भाव की तरह लोगों को लेकर, देखने में आप तो साक्षात नारायण जैसा लग रहे हैं, इतना सुंदर सौंदर्य है, प्रभावे देखी तुम्हें साक्षात नारायण, हीनाचार कर के न की हर कारण, ऐसे हीन आचरण क्यों करते हैं, जहां गंभीर होना चाहिए सन्यासियों को वहां बाउल बने हुए हैं, पागल की तरह बोलते हैं चिल्लाते हैं। प्रभु कहे, सुना श्रीपाद, इहार कारण, गुरु मरे मूर्ख देखी करीला शासन, इसका कारण है श्रीपाद, सुनिए, हम में वो योग्यता नहीं है जो एक धीर गंभीर सन्यासी में होनी चाहिए, हमारे गुरु महाराज मेरी स्थिति को देखकर मेरे मूर्खता पर विचार करके मेरे ऊपर शासन किए, मुझको कुछ नियम कानून में बांध दिए। गुरु महाराज ने कहा कि मूर्ख तुम्ही तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। हमारे गुरु महाराज कहे कि तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत में अधिकार नहीं है। यद्यपि इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन महाप्रभु को प्रीचिंग का स्टाइल है, कह रहे हैं हमको अनाधिकारी समझकर
गुरु महाराज कह दिए कि तुमको वेदांत में अधिकार नहीं है, तुम कृष्ण नाम जपो सीधा साधा, कृष्ण नाम से ही संसार का मोचन हो जाएगा। कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण रचना। और इसके साथ गुरु महाराज ने कह दिया, नाम बिना कली काले नाई आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। यहां तक तो कह दिए कि इस कलयुग में इस नाम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर उन्होंने एक श्लोक सिखाया, कोशिश करके उसको याद कर लिया हूं। हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। भगवान श्री हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल इस कलयुग में, इस कलयुग में नहीं ही है, नहीं ही है, नहीं ही है, गति अन्यथा दूसरा गति नहीं है। इस आज्ञा को प्राप्त करके मैं नाम जपना प्रारंभ किया। धीरे 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 नाम जपते 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 मेरा मन थोड़ा सा भ्रांत होने लगा, पागल जैसा। मैं धैर्य नहीं धारण कर पाता था, कभी उन्मत्त होकर नाचने लगता था, कभी रोने लगता था, कभी हंसने लगता था। ये कृष्ण नाम में ज्ञान अच्छा होइला हमार, कृष्ण नाम लेने से हमारा ज्ञान नष्ट हो रहा है, पागल हैला मामी, धैर्य नहीं मने, ये तो चिंती निवेदन गुरु रचरणे। मैं कंप्लेन लेकर गुरु के पास गया और जाकर कहा, कीवा मंत्र दिला गोसाई, कीवा तार बोल, जपिते जपिते मंत्र करीला पागल। हे गोसाई, हे गुरुदेव, क्या मंत्र दिए, इसमें क्या बल है कि इस मंत्र को जपते जपते हमारा मन पागल हो गया है, ऐसा पागल हुआ है कि हसाए नचाए मोरे काराय खंडन। ये तो सुनी गुरु हासी बोलीला बचन, ये हमको हंसाता है, रुलाता है, नचाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज जब सुने, कहे वाह, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जे ही जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। इस कृष्ण नाम का यही प्रभाव है बेटा, जो ठीक से जप करता है उसके अंदर ये तो भाव आएगा ही। अब नहीं ठीक से जप करने वाला ढुलुर मुलुर नाम अपराधी को थोड़े भाव आएगा। कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ जा रागे तृण तुलचारी पुरुषार्थ। गुरु महाराज ने बतलाया कि कृष्ण विषयक जो प्रेम है वह परम पुरुषार्थ है बेटा, नाम जपने से प्राप्त होता है। जिसके सामने जो चार पुरुषार्थ है वह तृण के समान है, काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये पुरुषार्थ तृण के समान है। इस पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमामृत सिंधु के सामने एक बिंदु के समान भी नहीं है। मोक्षादि आनंद जार नहीं एक बिंदु। इस प्रेमामृत सिंधु जो कृष्ण प्रेम के समुद्र है उसके एक बिंदु की भी तुलना ये मोक्षादि नहीं कर सकता। बहुत अच्छा बेटा, बहुत तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया, बहुत अच्छा। एक कृष्ण प्रेम का स्वभाव है कि इसे व्यक्ति नाचने लगता है, गाने लगता है, उन्मत्त हो जाता है, बाड़ी गदगद हो जाती है, पसीना आने लगता है, शरीर में रुमावली छा जाती है, रोमांच हो जाता है, गदगद वैवर्ण, उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन, ये सब बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने एक श्लोक और बतलाया। भागवत में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति ठीक से नाम जप करता है उसको ये भाव आएगा ही। ये तो बोली पुनः श्लोक सिखाई लम्बोरे, इतना कहकर पुनः मुझको एक श्लोक सिखाए, भागवत सार यही बोले बारे बारे, कहे कि यह श्लोक भागवत का सार है। तो इसको भी मैं कोशिश करके याद कर लिया। ये है एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक। भागवत धर्म का निरूपण करते हुए कवि जी कहते हैं, एवं व्रत स्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो दुत चित उचहि, हसत यथोरोदितिरोति गायन उन्माद मन नृत्यति लोक बाह्य। जो भगवान के प्रिय नाम का उच्चारण करता है उसके उच्चारण के द्वारा उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, हृदय द्रवित हो जाता है
और वह पागल की तरह कभी ऊंच स्वर से चिल्लाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, लोक लज्जा छोड़कर नाचने लगता है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या, व्रत लेकर नियम पूर्वक जो नाम जपता है निरपराध होकर, तो निश्चित उसके अंदर भाव आते हैं। यही तार वाक्य में दृढ़ विश्वास करी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी, ये विश्वास करके मैं नाम जपने लगा। महाप्रभु समझ रहे हैं कि चरवाहों के बीच नहीं हूं, विद्वानों के बीच हूं। ये शास्त्र समझते हैं, बहुत व्याख्या नहीं करना है, शास्त्र का रिफरेंस देते हुए महाप्रभु उनको पटरी पर ला रहे हैं। कलयुग में नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं, एक। दूसरी बात कि ये जपने वालों के साथ ऐसा होता है, भागवत प्रमाण है। तो ये न चाहता है, मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया है कि मैं अपने से नहीं नाचता हूं। से ही कृष्ण नाम कभू गवायो नचाए, गाई नाची नाही आमी अपन इच्छाए। कभी कभी इस तरह के भावुक भक्त जब प्रेमा भक्ति के आस्वादन करते हैं तो उनके आंखों में स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं, वो अपने को संभाल नहीं पाता। जो उस स्तर के नहीं है वे लोग सोचते हैं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा गंभीर सीरियसनेस जिनमें है वो अपनी गंभीरता के सामने उसको भावुकता समझते हैं, दम समझते हैं, या बहुत निम्न स्तर समझते हैं, यही होता है प्रायः। और उनकी स्थिति क्या है कि वो समझ ही नहीं पाते मैं कैसे अपने को संभालूं। भगवान के हर एक गुण उसके हृदय को टच करता है और वो विवश हो जाता है। कृष्णा में जे आनंद सिंधु अस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खाद्योतक सम। कृष्ण नाम के जप में जो आनंद है वो समुद्र लहराता हुआ, उसके सामने तो ब्रह्मानंद निर्विशेष निराकार का जो ब्रह्म ज्योति का आनंद है वो तो बहुत थोड़ा है, बहुत तुच्छ है। इस प्रकार अनेक प्रमाण देते हुए महाप्रभु बतला रहे हैं। सन्यासी लोग महाप्रभु की बात सुनकर प्रभावित होने लगे, फिर कहते हैं आप जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक है, सत्य है। जे किछु कहिले तुम्ही सब सत्य हो। कृष्ण प्रेमा जे ही पाए जार भाग्योदय, वास्तव में ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बात और हम पूछना चाहते हैं, ये तो एकदम बिल्कुल ठीक है, 100% कोई डाउट नहीं। आप जो शास्त्र का प्रमाण दिए नाम जपने से कृष्ण प्रेम मिलता है, लेकिन आप सन्यासी होकर वेदांत नहीं पढ़ते, उसमें क्या दोष है? कृष्ण भक्ति कर रही है सवार संतोष, वेदांत न सुना के न तार की वा दोष, वेदांत में क्या दोष है? इतना सुनकर महाप्रभु हंसे, कहे वेदांत में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं नहीं पढ़ने के कारण को बताने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता हूं कि आप लोगों को बुरा लग सकता है। अगर आप दुख नहीं मानेंगे तो मैं कहूंगा, दुख ना मानो हो यदि करी निवेदन। तो सारे सन्यासी कहते हैं ना 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 ना, दुख मानने की तो कोई बात ही नहीं, आप साक्षात नारायण है, तुम्हार वचन सुनी जुड़ाय श्रवण, तुम्हारा माधुरी देखी जुड़ाय नयन, आपकी वाणी सुनकर कान तृप्त हो रहा है, आपके सौंदर्य को देखकर आंख तृप्त हो रहा है, आप बोलिए बोलिए, आप कहिए। प्रभु कहते हैं कि वेदांत सूत्र में तो कोई दोष नहीं, वो तो ईश्वर का वचन है। ईश्वर के वचन में कभी भ्रम प्रमाद करना पाटव और विप्रलिप्सा नहीं हो सकता। चार दोष है प्राकृत जीवों में, भगवान में नहीं है, अप्राकृत में नहीं है। प्राकृत जीव में भ्रम हो सकता है, रसी को सांप समझ ले, सांप को रसी समझ ले, सूर्य को थाली के बराबर समझ ले, स्थल को जल समझ ले, कुछ भी भ्रम हो सकता है। ये भ्रम होता है, प्रमाद होता है, अपने कर्तव्य को जान बुझ कर टालने की। पता है कि मंगल आरती का टाइम हो गया, हमारे लिए जब सुबह करना जरूरी है, गुरु महाराज की आज्ञा है, फिर भी ये टालने का स्वभाव होता है। विप्रलिप्सा का अर्थ है चीटिंग, एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है।
और करुणा पाटव, कर्ण की अपटुता, अपने इंद्रियों की असमर्थता, जिस रूप में देखना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए वैसा नहीं सुनते, बोला कुछ जा रहा है, सुनाई कुछ दे रहा है, देखते कुछ है, समझते कुछ है। अपने हाथ से लेख लिखिए, तीन बार चेक कीजिए, तीनों बार गलती निकलेगा, अपना ही लिखा हुआ। लेकिन ईश्वर के वाक्य में, ईश्वर में ये दोष नहीं है, चारों प्राकृत जीव में है। उपनिषद के साथ जो सूत्र का वर्णन किए व्यास देव, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन कहते हैं गौरी वृत्ति जेवा भाष करीला आचार्य, लेकिन उस सूत्र के मुख्य अर्थ को छोड़कर गौर अर्थ जो आचार्य ने किया है, आचार्य माने शंकराचार्य, तहार श्रवण नाश है सर्व कार्य, उसके सुनने से सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, सब लोग चकित हो गए, सर्वनाश हो जाएगा, तहार नहीं का दोष, ईश्वर आज्ञा पाइया, गौरार्थे कैला मुख अर्थ अच्छा दिया, उनका दोष नहीं है, वो तो ईश्वर के आज्ञा से किए। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, ब्रह्म परमात्मा भगवान, एक तत्व को तत्वेता लोग तीन रूप में व्याख्या करते हैं, बदन्ति तत्त विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, उस तत्व का असली अर्थ भगवान ही है, लेकिन उसको तीन स्टेप में समझते हैं। उसको कुछ लोग ब्रह्म शब्द ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, जैसे आग को तीन स्तर से समझते हैं, धुआं देखकर समझते हैं वहां आग है, लेकिन धुआं देखकर आग का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, कुछ दूर जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें प्रकाश भी निकल रहा है, ये थोड़ा सा बेटर ज्ञान हुआ। लेकिन जब निकट जाते हैं तो पता चलता है कि वो जलाता भी है अग्नि, ये असली ज्ञान है अग्नि का। आग का मतलब दाहिका शक्ति युक्त, मुख्य अर्थ है कि जिसमें दहन हो, जलन हो, उसको आग कहते हैं। कई उदाहरण है शास्त्र में, सूर्य के किरण यहाँ रूम में मंदिर में आ रहा है, ये भी सूर्य प्रकाश है, लेकिन सूर्य का ज्ञान है कि सूर्य आ गया आकाश में। फिर देखते हैं थाली के बराबर सूर्य चमकता है, वो भी ज्ञान है, लेकिन ये दोनों परफेक्ट ज्ञान नहीं है। सूर्य लोक में जाकर जब देखते हैं, सूर्य एक देवता है, उनका रथ है और उनका प्रकाश है, तब है परफेक्ट ज्ञान। कई उदाहरण, एक राज्य के विषय में किताब में पढ़ लिख कर जो हम सुनते हैं समझते हैं वह ज्ञान, और इसके साथ फिर वहां जाकर जो हम देखते हैं समझते हैं वहां की स्थिति, शहर वहां का बनावट, वो एक ज्ञान, और खुद वहां रह कर अनुभव कर किए हैं वहां की संस्कृति, वहां का रहन चाल भोजन, वो एक दूसरा ज्ञान है। कई उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद, पहाड़ को दूर से देखते हैं, ऊंचा जगह है, पर्वत है, पहाड़ है, पेड़ पौधा है, कुछ नजदीक जाते हैं तो लगता है अरे इसमें बड़ा बड़ा पेड़ है, झरना भी है, लेकिन जब पहाड़ के ऊपर चलते हैं, चढ़ते हैं, तब पता चलता है उबड़ खाबड़, बड़ा बड़ा पेड़, कुछ झाड़ियां, कुछ कुंज, वो असली ज्ञान है। उसी प्रकार असली अर्थ है ब्रह्म का भगवान, तहार विभूति देह सब चिदाकार, उनकी सारी विभूति, सारा देह चिदाकार है, चिन्मय, चिद विभूति आच्छादित तारे कहे निराकार, फिर उसकी अधूरा ज्ञान निराकार कह देते हैं ब्रह्म को। चिदानंद देह तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार, तार दोष नहीं ते हूँ आज्ञाकारी दास, जार जे सुने तार होय सर्वनाश। ऐसे ईश्वर को, ऐसे भगवान को निर्विशेष निराकार कह दिया जाता है, यह ठीक नहीं है। विष्णु निंदा नहीं जार इहार ऊपर, तो फिर कहेगी आचार्य जो करू निंदा किए भगवान का, विष्णु निंदा का दोष मिलता है लगता है, लेकिन उनके आज्ञा से अगर कोई करता है तो फिर क्या दोष है। कभी कभी गुरु जी कहते हैं बेटा अपने पैर से मेरे पीठ पर दबा, कमर दबाओ, किस से, पैर से, गुरु जी के आज्ञा से अगर वो पीठ पर चढ़कर उनके सुख के लिए अगर ऐसा कर रहा है तो ये अपराध नहीं है ना। विष्णु निंदा नहीं जारी हार ऊपर, ये भगवान के सुंदर कलेवर को
निराकार कहते हैं या भगवान के इस महान ऐश्वर्य को उड़ा दे रहे हैं, प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, तो इसमें उनका दोष नहीं है इत्यादि बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उन्हीं ईश्वर के अंश है जीव, अपरिमितस्तन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये धारेते जगत। ये जो प्रकृति अपना नाम है, हे महाबाहो, इसके अतिरिक्त परा नामक प्रकृति है, जीव है, वह प्रकृति चेतन और निज कर्मानुसार इस जगत को धारण करता है। वो जीव के कारण ही जगत बना है, इसलिए जगत को जीव धारण करता है। अगर अपराधी ना हो तो जेल खाने की कोई जरूरत नहीं। जेल कौन चलाता है? अपराधी। सब निरपराध हो जाए तो जेल तो बंद करना पड़ेगा ना, उनके कारण चलाना पड़ता है। तो अपराधिक जीव इस जगत में आकर इस जगत को चला रहे हैं, इसलिए भगवान कहने ये एकदम धारते जगत, इस जगत को धारण करते हैं। जीव भूता महाबाहो, मेरी एक प्रकृति इस बहिरंगा प्रकृति का अतिरिक्त प्रकृति है, जीव रूपा जगत को धारण करती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा का यथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीय शक्ति ऋष्यते। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, ये तृतीय शक्ति है। विष्णु शक्ति त्रिविध रूप है, परा, परा माने अंतरंगा, अपरा क्षेत्रज्ञा जीव, और एक है बहिरंगा। व्यास देव ने जो सूत्र रूप में वर्णन किया भगवत स्वरूप का, उसमें परिणामवाद है। इन्होंने व्यास भ्रांत बोली तहा उठाई लो विवाद, व्यास के मूल सूत्र को ये परिणामवाद कह रहे हैं। और विकारी कहते हैं भगवान के शरीर विकृत हो जाता है, इस रूप में निर्विशेष हो जाता है, निराकार हो जाता है, यह उचित नहीं है। ये विवर्तवाद की जो स्थापना किए हैं इन्होंने, तो वस्तुतः परिणाम वादे सही तो प्रमाण देहे आत्म बुद्धि यही विवर्त है स्थान अविचिन्त शक्ति युक्त श्री भगवान इच्छाए जगत रूपे पाए परिणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के श्वास से निकल सकता है, लेकिन भगवान विकृत नहीं होते, ऐसा नहीं कि उनमें से कुछ खर्च हो गया। कहते हैं वो भगवान की अचिंत शक्ति की बात तो छोड़िए ना, एक प्राकृत मणि, सेमंतक मणि अनेकों किलो सोना देता है, एक बार में 80 किलो सोना देता है, लेकिन उसमें से एक ग्राम कम नहीं होता है। तथापि अचिंत शक्ति है अविकारी, प्राकृत चिंतामणि ताते दृष्टा धरी। प्राकृत चिंतामणि को हाथ में लिए रहते हैं, वो जितना है 50 ग्राम का 100 ग्राम का उतना ही रहता है, लेकिन आपको 1,00,000 क्विंटल सोना चाहिए वो दे देगा। सोचते हैं नाना रत्न राशि है, चिंतामणि है, ते तथापि मणि रहे स्वरूप अविकृत है, उससे निकल जाता है और कुछ नहीं उसमें विकृत होता। वैसे ही भगवान की अनंत शक्ति है और उनसे अनंत जगत निकलता है, इसमें कोई विचार करने की अवकाश ही नहीं है। प्रणय से महावाक वेदेर निदान ईश्वर स्वरूप प्रणव सर्व विश्वधाम सर्वाश्रय ईश्वर प्रणव उदेश तत्वमसि वाक्य है वेदेर एक देश। ये जो वेदों में तत्वमसि शब्द है वह इसलिए है कि वास्तव में एक ही ईश्वर, एक ही तत्व इस जगत में इस रूप में विस्तारित हुआ है, लेकिन वो अविकृत है। सर्व वेद सूत्र कहे कृष्णेर अभिधान मुख्यावृत्ति छाड़ी कैल लक्षणा व्याख्यान। सारे जगत का मूल कारण वेद श्री भगवान है आश्रय तत्व, इस बात की व्याख्या न करके वे विविध प्रकार की बातें करते हैं। स्वतः प्रमाण वेद है, उसमें कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। आज भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में लोग इस बात से भय मानते हैं कि वेद में ऐसा कहा गया है, एकदम तर्क का कोई गुंजाइश ही नहीं है, जहां बस भागवत में है। इस विश्वास के साथ लोग
मानते थे वेद को। स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि लक्षणा करी ले स्वतः प्रमाणता हानि। अब जो प्रमाणिक चीज पर व्याख्या किया जाए तो गड़बड़ होगा। कितना हूं प्रमाणिक बात हो उस पर तर्क वितर्क उठा दिया जाए तो प्रमाण खत्म, दो चार तर्क इधर से उधर दे दिए खत्म हो गया। इस तरह से तर्क वितर्क करने से बातें बिगड़ जाती है। यही मत प्रतिशूत करे दूषण, सभी सूत्र को बिगाड़ कर रख दिए। सकल संन्यासी कहे सुनह से बाद तुम्हें जे खंडीला अर्थ नहे से विवाद। आप जो अर्थ काट रहे हैं उसमें तो कोई तर्क नहीं है, संप्रदाय के अनुरोध से हम उसको मानते हैं। आचार्य कल्पित अर्थ के इसको भी हम समझ गए। मुख्यार्थ व्याख्या करे देखी तुम्हार बल। हम देखना चाहते हैं कि मुख्य अर्थ सूत्र का क्या है, आप कुछ तो बताइए। तो मुख्यार्थे लागिल प्रभु सूत्र सकल। अब सारे सूत्रों की व्याख्या करें। बृहद वस्तु ब्रह्म कही श्री भगवान। बृहद वस्तु जो है उसको ब्रह्म कहते हैं, उसका मुख्य अर्थ भगवान है। वो षड्विध ऐश्वर्यपूर्ण परतत्व धाम, छो ऐश्वर्यों से युक्त पर तत्व है। स्वरूप ऐश्वर्य तार नाही माया गंध, सकल वेदेर भगवान से संबंध। सारा वेद भगवान का वर्णन करता है, उनमें माया का गंध नहीं है, उनको कभी भ्रम नहीं हो सकता। उनको निर्विशेष की शक्ति को इस तरह कहना अर्ध स्वरूप न मानी ले पूर्णता है हानि। भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझना इसे पूर्णता की हानि होती है। यद कुकुटनाय भगवान की प्राप्ति का जे उपाय है वह यह है कि श्रवण आदि भक्ति के द्वारा उनके विषय में सुनना बोलना, ये जो है भगवान की प्राप्ति का उपाय है। इसको सारे वेद में अविधेय कहा गया है। ये उपाय साधन भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है, धीरे 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 कृष्ण के चरण में अनुराग होता है और वही प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। ऐसे प्रेमा भक्ति प्राप्त करने वाले भक्तों के बस में भगवान है। भगवान से जीव का एक नित्य संबंध है, वो संबंध तत्व है और उस संबंध के अनुरूप जो कर्तव्य का पालन किया जाता है वो अभिधेय है। और अभिधेय के द्वारा प्राप्तव्य जो प्रयोजन है वो है कृष्ण प्रेम। इस तरह से सूत्रों की व्याख्या की है। सुन करके सारे सन्यासी चकित होकर कहे वेदमय मूर्ति तुम्हें साक्षात नारायण। अपराध क्षमा पूर्वे जे कैनु निंदन, आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए, आपकी हमने बहुत निंदा की। सारे सन्यासी महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े, कृष्ण कृष्ण नाम जपने लगे। एई मत्ता सबार क्षमी अपराध, सबा कार्य कृष्ण नाम करीला प्रसाद। सभी सन्यासी बोलने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रकाशानंद के साथ बैठकर महाप्रभु प्रसाद पाए, भिक्षा करी महाप्रभु आइला वासा घर। हेन चित्र लीला करे श्री गौर सुंदर, ऐसे विचित्र लीला करते हैं वहां पर। तपन मिश्र चंद्रशेखर सनातन ब्राह्मण ये सब इतना खुश हुए, वाह काम हो गया, जय श्री राम हो गया काम। खुश हो गए सारे भक्त लोग। प्रभु के देखिते आईला सकल सन्यासी, प्रभु रो प्रशंसा करे सर्व वाराणसी। सारे वाराणसी में महाप्रभु की प्रशंसा हो रही है। वाराणसी पूरी आईला श्री कृष्ण चैतन्य, पूरी सह सर्वलोके हिला महाधन्य। काशी जगन्नाथपुरी के समान धन्य हो गया। लाखों लाखों लोग आते थे, जहां जाते थे चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, चाहे विश्वनाथ गली हो, चाहे बेणी माधव या विशेश्वरगंज हो, विशेश्वर जी के यहाँ सब जगह भीड़। सभी लोग हाथ उठाकर भगवान का नाम बोलते थे। बाहुतुली बले प्रभु बोलो हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोग स्वर्ग मर्त भरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए।
लोक निस्तारित प्रभु चलिते हिला मन। अब चलने का मन हुआ, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे करके पुरी के लिए लौटे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो प्रसंग पाकर के सब बातें कह दिया, यही लीला आगे कही वो विस्तार करिया, कैसे सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए, संक्षेप कहिला यह प्रसंग पाइया। प्रसंग पाकर थोड़ा मैंने वर्णन कर दिया कैसे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिए और उस सेनापति को वृंदावन भेजे, रूप सनातन रूप सेनापति को मथुरा थे पढ़ाई ला रूप सनातन दुई सेनापति को लो भक्ति प्रचारण, ये सब प्रसंग आगे वर्णन किया जाएगा। मैं प्रसंग को छोड़ दिया था आदि लीला में, इसलिए यहाँ काशी में जब महाप्रभु पहुंचे हैं तो सन्यासियों के उद्धार की लीला कह दिया। अब फिर चलते हैं, सनातन गोस्वामी को जेल से निकाल कर महाप्रभु से मिलाते हैं। यह है मध्य लीला के 20वें परिच्छेद में। पत्री पाया सनातन आनंदित हिल, रूप गोस्वामी का पत्र मिला जिसमें लिखे थे कि आप किसी तरह निकल कर आइए, मोदी के यहाँ मैं 10,000 रुपया रखा हूँ। जवन रक्षक पास कही थे लागी ला। पत्र पढ़े तो जाकर जेलर से बात करने लगे सनातन गोस्वामी, देखो भाई धर्म पर विचार करके मुझको छोड़ दो, आप मुझे कैद खाने से निकाल देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। दूसरा कि मैंने पहले आपका उपकार किया था, कृतज्ञता को भी ध्यान में रखकर प्रतिपकार कीजिए। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी नियुक्ति किए थे, पूर्वे आमी तुम्हार करिया छे उपकार, तुम्ही आमा छाड़ी करो प्रतिपकार। नहीं मन प्रसन्न दिख रहा है, भाई 5,000 रुपया सोने मुहर ले लो, 5,000 मुद्रा तुम्ही करो अंगीकार, पुण्य अर्थ 2 लाभ है बे तुम्हार, तुमको पुण्य भी मिलेगा और 5,000 रुपया भी मिलेगा, ले लो। तब वो जवान सुनकर कहता है मैं तो छोड़ सकता हूं सरकार, लेकिन राजा का भय है, बताऊं क्या कहना। तहारे कही हो यही बाह्य कृत गेल, गंगा निकटे गंगा देखी झाप दिल, कूद पड़े, हाथ में हथकड़ी के साथ कूद पड़े, इसलिए तैर भी नहीं पाए, हाथ नहीं चला पाए, डूब गए। बहुत कोशिश किया, लोगों को भेजा, अनेक देखिल तार लाग न पाइल, डांडुका सहित डूबी कहाँ बह गेल, वो जो बंधन लगा हुआ था हथकड़ी उसके साथ ही डूब गया, निकल ही नहीं पाया, एक बार डूबा डूब गया, बहुत खोजवाया नहीं मिला। तो कहते फिर पता लग जाएगा कि अब सुरक्षित है, तो किछु भय नहीं, आमी ये देश ना रब, इस देश में मैं रहूंगा ही नहीं, दरवेश है आमी मक्का ते जाइब, फकीर रूप में मैं मक्का जाऊंगा, असली मक्का वृंदावन। उसका मन तो कुछ कुछ बदल गया, लेकिन पैसा थोड़ा कम पड़ रहा था, तो कहेगी अच्छा 7,000 ले लीजिए, 2,000 और। जब रख दिए तब लोभ हिला जवनेर मुद्रा देखिया, उपाय तो ठीक बता दिए, इस उपाय से तो बच जाऊंगा, पैसा भी मिल जाएगा 7,000। कहा कि ठीक है, रात्रि के समय उनका हथकड़ी खोल दिया, खोल करके गंगा पार करा दिया, गंगा नौका से पार कर गए। वहां पर एक इनका प्रिय सेवक था ईशान, ईशान मिलता था रोज, ईशान जिद करने लगा कि हमको भी साथ ले ली, कहे ठीक है तू आ जाना गंगा तट पर, प्लान उसको बता दिए। वो लौट कर कहने वाला सेवक नहीं था, साथ में गया। नौका पार करके एक पातड़ा पर्वत आया, इधर झारखंड में भागलपुर के तरफ है, घोर जंगल पहाड़ी पार करना था, वहां देखे एक भौमिक पर्वत पर एक गेस्ट हाउस बनाया था, वो एक ज्योतिषी रखता था अपने पास, जो गेस्ट आता था उसको बतला देता था ज्योतिषी इसके पास कितना पैसा है, उसी हिसाब से उसका स्वागत होता, और रात को उनका काम तमाम करके पैसा छीन लेता था, मारकर फेंक देता था। बतला दिया ज्योतिषी इसके सेवक के पास 8 रुपया है सोना का, तो कहे ठीक है आप रहिए खाइए पीजिए, आप साधु फकीर है तो अपने से बना लीजिए, आटा चाहिए चावल चाहिए सब्जी चाहिए, तो सनातन गोस्वामी कहे कि हाँ हम अपने से बनाएंगे।
बनाते समय विचार कर रहे थे कि भाई इतनी सुविधा प्रदान कर रहा है, इसे कोई परिचय तो है नहीं हमारा, कुछ तो बात है, कुछ भी तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा ही, इतनी सेवा क्यों कर रहा है। विचार किए और ईशान से अपने सेवक से पूछे कि ये बात बतलाओ, तुम्हारे ठाई जानी किसी द्रव्य अच्छा है, तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या? तो ईशान कहता हाँ, मोरे ठाई 7 मोहर है, 1 सिपालिया, पता नहीं मांग कर दे देंगे तो 1 रहेगा, तो कहीं इमरजेंसी में काम आएगा। तो सनातन गोस्वामी कहे तुम जमराज को लेकर चल रहे हो, पैसे के कारण जान मार सकते हैं लोग जंगल में, ठीक है दे। तो 7 दे दिया। जब इस 7 मोहर को लेकर के उस गेस्ट हाउस के मालिक के पास गए, रख दिए, ये 7 मोहर आछिला अमार, इहा लैया धर्म देखी पर्वत करो पार, आप इसको लीजिए, आपने हमारा बहुत सत्कार किया, मुझको पर्वत पार करा दीजिए। भुइया हंस कर कहता है मैं तो पहले जान गया, मेरे पास तो ज्योतिषी है, तुम्हारे सेवक के पास 8 मोहर था, तो बहुत अच्छा किया कि पैसा ला कर दे दिया, हम पाप से छूट गए, नहीं तो आज रात में तो तुम लोगों का मर्डर करता। कि संतुष्ट हैला मामी, मोहर ना लईब, अब तुम्हारे व्यवहार से मैं संतुष्ट हूँ, मुझको पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने पुण्य के लिए तुमको पार करा दूंगा। तो सनातन गोस्वामी कहे आप नहीं लेंगे तो फिर दूसरा कोई मारेगा ना, पूरा ले लीजिए। तो कहे ठीक है भाई। तुम पर्वत पार करने के बाद जब सुबह हो गया तब सनातन गोस्वामी ईशान से कहते हैं पार हैया गोसाई तबे पूछिला ईशाने जानी शेष द्रव्य किछु आछे तुम्हारे स्थाने, कुछ और भी है तुम्हारे पास पैसा? ईशान कहे 1 मोहर आछे अवशेष। गोसाई कहे मोहर लैया जा तुम देश। कहे कि 1 रुपया और है। अच्छा ठीक है, बहुत आसक्ति है पैसे में ना, लौट जा, मेरे साथ नहीं जाना है, लौट जा। इतने विरक्त साधु होते हैं, वो ईमानदार सेवक था बेचारा, अब उनके ही सेवा के लिए लिया था, कुछ कहीं काम आ जाएगा, उसको लौटा दिए और चल दिए अकेले, हाथ में करोया, एक कमंडल मिट्टी का, छीणा कांथा, कांथा लुगरी, निर्भय होकर चल दिया, अब कुछ है नहीं। हाजीपुर आए पटना के पास, हाजीपुर में इनके बहनोई रहते थे श्रीकांत, नवाब हुसैन शाह के सेना के लिए घोड़ा खरीदते थे, हाजीपुर बहुत बड़ा मेला लगता है, 3 लाख रुपया लेकर आए थे घोड़ा खरीदने। तो सनातन गोस्वामी बैठे थे, उनको देख करके कहे कि ये सब दरवेश दूर करो, बढ़िया कपड़ा पहनो, रहो 2-4 दिन। अरे नहीं, 1 सेकेंड नहीं रुकूंगा, 1 मिनट नहीं, 1 क्षण यहाँ ना रही बो, गंगा पार करी दे हो, 1 क्षण चली बो। कहे कुछ तो पैसा ले दीजिए। नहीं, आग्रह करके फोट कम्बल दिए और उसको लेकर सनातन गोस्वामी काशी आए। महाप्रभु कहाँ रुके हैं पता करके चंद्रशेखर के दरवाजे पर आए। महाप्रभु कहते हैं एक वैष्णव आए हैं आपके दरवाजे पर, उनको लेकर अंदर आइए, बुला लाओ। द्वारे एक वैष्णव है, बोला है तहारे। चंद्रशेखर देखे वैष्णव तो कोई नहीं है, ना कोई वैष्णव नहीं है, एक दरवेश है फकीर, उसी को बुलाइए उसी को। चंद्रशेखर जी कहे आपको महाप्रभु बुला रहे हैं। इतना सुनकर सनातन उसी वेशभूषा में जब आंगन में गए, दंडवत प्रणाम किए, महाप्रभु दौड़ करके आलिंगन किए। सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझको मत छुइए प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ। फिर भी महाप्रभु आलिंगन करके सनातन को पकड़ करके महाप्रभु निकट बिठाए, अपने पास आपन पास बसाइल, श्री हस्ते करे तार अंग समर्जन। अपने हाथ से सनातन गोस्वामी जो धरती पर लौट कर प्रणाम किए थे, धूल लगा था, उसको महाप्रभु पोंछने लगे। तिहों कहे मोरे प्रभु ना कर स्पर्शन, हे प्रभु आप मुझे मत छुइए। महाप्रभु कहते हैं तुमा स्पर्शी आत्म पवित्रते भक्ति बले पार तुम्हें ब्रह्मांड शोधिते। सनातन मैं तुमको तुम्हारे लिए नहीं छू रहा हूँ,
मैं तो तुम्हारा स्पर्श अपने लिए कर रहा हूँ, तुम में तो इतनी शक्ति है भक्ति कि तुम सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हो। भवत विधा भगवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थे नगदाभृता। अपने हृदय में भगवान को धारण करके तुम्हारे जैसे महापुरुष जब घूमते हैं तो तीर्थ की गंदगी को भी दूर करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ में जो पापी लोग आकर पाप धोते हैं उस तीर्थ को पवित्र तो तुम्हारे जैसे महापुरुष करते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थे नगदाभृता, तुम्हारे हृदय में भगवान है, इसलिए मैं तुमको स्पर्श करके अपने को पवित्र करना चाहता हूँ सनातन। यह है महाप्रभु का व्यवहार। कहते हैं न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मय देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथाह्यम। श्री भगवान कहते हैं न मे भक्त चतुर्वेदी, जो मेरा अभक्त है मेरा भजन नहीं करता है वो चाहे कितना हूँ उच्च वंश में जन्मा हुआ ब्राह्मण है फिर भी मेरा प्रिय नहीं है। लेकिन मेरा भक्त स्वपच प्रिय, कुत्ते का मांस खाकर हजम करने वाले चंडाल के वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति यदि मेरा भक्त है तो मुझे प्रिय है। ऐसे भक्तों को ही देना चाहिए, अगर वो कुछ दे रहा है तो उसको प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और वह व्यक्ति जो मेरा भजन करता है वह मेरे समान पूज्य है, जैसी मेरी आराधना होती है वैसी उसकी होनी चाहिए। भागवत प्रमाण विप्रा द्विषद गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। भगवान नृसिंह देव के चरणों में स्तुति करते हुए अत्यंत आश्चर्यचकित होकर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि हे नाथ स्पष्ट हो गया, हे अरविंद नाभ हे कमलनाभ, पादारविंद विमुखात, अगर आपके चरण कमल से विमुख है 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है लेकिन आपका भक्त नहीं है और एक स्वपच कुत्ते का मांस खाने वाले वंश में जन्मा हुआ चंडाल यदि आपका भक्त है तो वरिष्ठम वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। क्यों? कि उन्होंने अपना मन अपनी बुद्धि अपनी बाणी सब कुछ आप में अर्पित कर दिया है। प्राणम पुनाति सकुलम, अपने आप को और अपने पूरे खानदान को अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में अर्पित करके वो सबको पवित्र कर दिया। न तो भूरिमान, वह अहंकारी ब्राह्मण नहीं जो सोचता है हम बहुत पढ़े लिखे बड़े विद्वान उच्च कुल में जन्मे हैं, वे अपने आप तक को भी पवित्र नहीं कर पाया, इसलिए उस ब्राह्मण से वह चंडाल श्रेष्ठ है जो आपका भक्त है। यह श्लोक बोल रहे हैं। तुमा देखी तुमा स्पर्शी गाई तुमार गुण सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्रीय निरूपण। सनातन तुम्हारे जैसे भक्त को देखकर तुम्हारे जैसे भक्त को स्पर्श करके तुम्हारे जैसे भक्तों का गुण गान करके तुमा देखी तुमा स्पर्शी, तुमको देखना तुमको छूना तुम्हारे गुण गाना ये सर्वेंद्रिय फल ये शास्त्रीय निरूपण, यही तो इंद्रियों का फल है। अश्रो फलम त्वा दिश दर्शनम ही तन्नो फलम त्वा दिश गात्र संगह जिह्वा फलम त्वा दिश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। पृथ्वी देवी प्रहलाद महाराज के प्रति एक श्लोक बोली है, कहती हैं कि हे प्रहलाद आप जैसे वैष्णव को देखने में ही इस आंख की सफलता है। तन्नो फलम त्वादिशगात्र संगह, तुम्हारे जैसे भक्त की सेवा स्पर्श चरण संवाहन आदि करने में ही शरीर का फल है और तुम्हारे जैसे भक्त के गुणों का कीर्तन करने में ही जीवा का फल है। ये गूंगा रह जाए क्या जरूरत है बोलने का जो वैष्णव की महिमा न गाए, क्योंकि जगत में तुम्हारे जैसे भक्त का होना बड़ा दुर्लभ है। सुर दुर्लभा भगवता ही लोके, भगवान के भक्त इस लोक में होना बड़ा दुर्लभ है। कितना प्रमाण दे रहे हैं, ये तक कही कहे प्रभु सुना सनातन कृष्ण बड़ा दयामय पति तपावन।
हे सनातन, कृष्ण बड़े दयालु हैं, पतित पावन हैं, तुमको महारौरव से निकाल दिए। कृष्ण की कृपा अथाह समुद्र की तरह अपार है, गंभीर है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, प्रभु मैं कृष्ण की कृपा को नहीं जानता, मैं तो केवल आपकी कृपा को ही मानता हूं। आपकी शुभ मंगल कामना ही मेरा उद्धार किया। तो महाप्रभु पूछते हैं, के मने छुटिला? बोली प्रभु प्रश्न कैला, कैसे आप छूटे, कैसे जेल से निकले? आद्योपान सब कथा तीहो सुनाई, जो आप सुन चुके हैं वो सारी कथा को सुनाए। रूप और अनुपम प्रयाग में मिले थे, उनके साथ 10 दिन रहने का अवसर मिला। मैं उन लोगों को वृंदावन भेज दिया हूं। कितनी व्यवहारिक मिलन है, समाचार बतला दिए। इसके बाद तपन मिश्र और चंद्रशेखर से परिचय कराए। आप लोग देख रहे हैं इस दरवेश में, इस फकीर वेश में कौन है? ये फकीर नवाब हुसैन शाह का प्राइम मिनिस्टर है। तपन मिश्र तबे तारे कैला निमंत्रण। प्रभु कहे, सनातन आप जाओ छौर करा कराओ, ये दरवेश दूर करो। चंद्रशेखर से कहे कि आप इनको ले जाइए और छौर करा करके, भद्र करा कर, गंगा स्नान करा करके लाइए। तो शेखर आनिया नूतन वस्त्र, नया कपड़ा लेकर आए। इसके बाद चंद्रशेखर जब नया वस्त्र देने लगे तो नहीं लिए। ये सुनकर महाप्रभु बड़े आनंदित हुए। तो भी मध्याह्न करने के बाद भोजन करने गए तो महाप्रभु कहे, सनातन को भी बैठाइए। तो जो अपना पुराना कपड़ा लिए थे, लुंगी उंगी, वही पहने रह गए। तो तपन मिश्र जी कहते हैं, कुछ कृत बाकी है सनातन का, आप प्रसाद लीजिए, इसके बाद मिलेंगे। तपन मिश्र भी नया वस्त्र लाए, कहे कि लुंगी ठीक नहीं लग रहा है, ये पहनिए। कहते नहीं, तो फिर क्यों? अपना छोड़ा हुआ परिधान जो पहने हैं, पुराना धोती दे देंगे तो ले लूंगा, नया नहीं। तब एक पुरातन धोती दिए, माने पहना हुआ। उस धोती को फाड़ करके एक बहिर्वास बनाए, कौपिन बनाए और एक लुंगी बनाए। एक धोती मिल गया तो तीनों काम हो गया, पहन लिए और इसके बाद प्रसाद लिए। फिर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आकर सनातन गोस्वामी से मिले और उनको निमंत्रित किए। कहे, सनातन तुम्हें जावत काशी ते रहिबे तावत अमार घरे भिक्षा से करिबे। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप जब तक काशी में हैं आप हमारे घर भिक्षा लीजिए। करें नहीं, ऐसा नहीं, मैं मधुकरी कर लूंगा, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, ब्राह्मण घर के नहीं एकत्र भिक्षा ले। महाप्रभु सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु वेश देखकर प्रसन्न हुए, पुराना धोती पहनने से प्रसन्न हुए, लेकिन उनके कंधे पर जो महंगा कंबल था उसके तरफ बार बार देख रहे थे। सनातन समझ गए, सनातन वैराग प्रभु आनंद अपार, भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। सनातन जानिला ये प्रभुर न भाय, भोट त्याग करी बारे चिंतिला उपाय। सनातन समझ गए दृष्टि किधर है। गए गंगा तट पर मध्याह्न करने, दोपहर में गौड़िया एक बंगाली एक कांथा दिया छि सुखाइया, गंगा में धोकर ऐसे पसार दिया था, धुइया सुखाई थे। तो तारे कहे, अरे भाई करो उपकारे, यही भोट लैया एक कांथा दे हमोरे, आप कंबल ले लीजिए और ये मुझको दे दीजिए। तो कहे कि क्यों साधु, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तिहो कहे, हास्य के नहीं करो सत्यवाणी, मैं आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप इस कम्बल को लीजिए, मैं साधु इतना महंगा कम्बल कहाँ ले जाऊंगा, आप इसको ले लीजिए। किसी तरह बदल दिए और इसको लेकर जब महाप्रभु के पास आए, प्रभु कहे, यहाँ हमी करिया छे विचार, विषय रूप खंडाइलो कृष्ण जे तुम्हार, कृष्ण इतनी बड़ी कृपा किए कि आपको विषय त्याग कराए, यहाँ पहुंचा दिए, इसके बाद भी थोड़ी सी आसक्ति रह गई स्लीपिंग बैग में, फिर भी आसक्ति है कि वैराग का जीवन जी रहे हो लेकिन स्लीपिंग लेकर चल रहे। मेरे मन में आ रहा था, तीन मुद्राएं भोट गाय मधुकारी ग्रास,
धर्म हानि है, लोग के करे उपहास, क्या लोग सोचेंगे। आज जमाना बदल गया, आज मधुकरी करने वाले भी पहुंचते हैं, राधे मैया। तो हाँ बाबा अभी रोटी नहीं बना है, अच्छा मेरा नंबर लिख लो, बनने पर फोन कर देना। प्रसन्न है या प्रभु तारे कृपा कैला, तारे कृपा प्रश्न करते तार शक्ति हैला। उन पर कृपा किए, उनको शक्ति दिए। पूर्वे जैसे राय पासे प्रभु प्रश्न कैला, जैसे राय रामानंद के पास प्रभु प्रश्न किए और उनके शक्ति से ही राय रामानंद उत्तर दिए। इहार प्रभु शक्ति प्रश्न करे सनातन, अपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। आज सनातन प्रश्न कर रहे हैं और महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं। वहां महाप्रभु प्रश्न कर रहे थे और उत्तर सुन रहे थे राय रामानंद से। तो वहां 10 दिन रुक कर प्रश्नोत्तर हुआ, यहाँ 2 महीना तक चलेगा। तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया विनती करी दंते तृण लैया। तो महाप्रभु के चरण पकड़ कर सनातन गोस्वामी प्रश्न करते हैं। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कु विषय कुपे पड़ी ग्वाइनु जन्म, अपनार हिताहित किछु ही न जानी, ग्रामे व्यवहार पंडिताही सत्यमानी। मैं नीच जाति हूँ, विषयों में जीवन बिताए हैं, अपने हित और हित के विषय में कुछ पता नहीं है प्रभु। ग्राम व्यवहार में तो पंडित है, विषयों के चर्चा में तो पूछिए मत कितने बड़े विद्वान हैं। हे प्रभु आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ मेरा हित किस में है। कृपा कर यदि मोरे करिया छे उद्धार, पापन कृपा ते कह कर्तव्य अमार। मेरा कर्तव्य निर्धारण कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। के आमी के ने आमाय जारे तापत्रय, इहा नाही जानी के मने हित होय। के आमी मैं कौन हूँ। आज तक हम लोग यही सुनते आए हैं आप कौन हैं, आपका परिचय, और ये उल्टा पूछ रहे हैं के आमी मैं कौन हूँ और क्यों मुझको 3 ताप दिया जा रहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये क्यों दिया जा रहा है, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। साध्य साधन तत्व पूछते न जानी, कृपा करी सब तत्व तो कहता अपनी। क्या करना है, किसकी आराधना करना है, कौन मंत्र जपना है, सब कुछ नहीं पता है, आप बताइए क्या मुझे करना है। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कृपा तुम आते पूर्ण है, वास्तव में तुम पर कृष्ण की पूरी कृपा है। सब तत्व जानो तुम्हारा नहीं तापत्रय, तुमको सब कुछ पता है, कोई तापत्रय नहीं है। कृष्ण शक्ति धर तुम्ही जानो तत्व भाव, जानी दाढ़ी लागे पूछे साधु रसो भाव। कभी कभी जानकार लोग भी जिज्ञासा करते हैं, क्यों, कन्फर्मेशन के लिए, दृढ़ता के लिए, जो मैं जान रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। कोई प्रमाणिक कोई अथराइज वक्ता आ गया तो अपने ज्ञान का प्रमाणिकता के लिए कि मैं जो जानता हूं इस विषय में वो ठीक है कि कुछ गड़बड़ है, पूछ लेता है। अगर उनके द्वारा सुनता है तो समझता हाँ मैं ठीक जानता हूँ, अथवा कुछ गड़बड़ी है तो सुधार लेता है। जानी दाढ़ी, दाढ़ी लागी माने अपनी दृढ़ता के लिए, ज्ञान की दृढ़ता के लिए पूछ लेता है, ये साधु का स्वभाव है। तो आप योग्य पात्र हैं, भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन कर सकते हैं, आप समाज का हित कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। अब महाप्रभु यहां से बोलना प्रारंभ कर दिए। जीव रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यान सकिरण जेन अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्ण रतिन शक्ति है। जीव स्वरूप से कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण की तटस्था शक्ति है, कृष्ण से उसका भेद और अभेद दोनों है। बहुत बड़े तात्विक सैद्धांतिक की बातें हैं। जीव कृष्ण का नित्य दास है और वह कृष्ण की ही एक शक्ति है, लेकिन तटस्था एक अंतरंगा जो कृष्ण के धाम में परिकर वृंद, और एक बहिरंगा इस प्राकृत जगत में, और बीच में जीव है, इसलिए तटस्था कहा गया है। सूर्यांश किरण है जेना अग्नि ज्वाला छ, जैसे सूर्य की किरण
अनंत किरण निकलकर बाहर आता है सूर्य से, लेकिन सूर्य से लाखों किलोमीटर दूर आ जाता है। अग्नि अगर लकड़ी में जले तो उसका ज्वाला फैलता है, वैसे ही अग्नि से ही निकला हुआ अग्नि के किरण है या स्फुलिंग है, छोटे छोटे स्फुलिंग, वैसे ही जीव उनसे निकला है। कृष्ण की स्वाभाविक तीन शक्तियां हैं जिनको चीज शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति कहते हैं। अनंत शक्तियों में तीन शक्ति प्रधान है जो कृष्ण के स्वरूप में है। महाराज श्री कभी कभी उदाहरण देते हैं, बहुत पहले मैं सुना था, गाय के शक्ति का अगर तीन भाग में विभाजन किया जाए, गाय का दूध, गाय का मूत्र गोबर और गाय का खून, तो गाय से ही निकलता है गोमूत्र और गोबर, वो भी एक शक्ति है, उससे औषधियां बनती है, और गाय से ही निकलता है दूध, वो निकल सकता है, लेकिन जो गाय का खून है उसको गाय से निकाल देने पर गाय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जैसे गाय का खून गाय की अंतरंगा शक्ति है, उसके बिना गाय की कल्पना नहीं किया जा सकता। अगर एक एक बूंद खून निकाल दिया जाए गाय से तो गाय जीवित नहीं रह सकती। अंतरंगा शक्ति के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, समझे। लेकिन गोबर और दूध निकलने से कोई दिक्कत नहीं, तो दूध स्थानीय जीव है और गोबर और मूत्र स्थानीय प्राकृत जगत। समझने के लिए ये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी यह केवल समझाने के लिए एक पार्ट कि अंतरंगा शक्ति का क्या अर्थ है। अंतरंगा शक्ति का अर्थ है खून, रक्त, एक एक बूंद रक्त से वो गाय जीवित रहती है। तो इस प्रकार अनेकों प्रमाण दे रहे हैं, विष्णु पुराण, भागवत, भगवत गीता, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला छय, स्वाभाविक कृष्ण र तीन शक्ति है। ये जो उदाहरण दिया गया जीव ईश्वर का अंश है, तो जैसे सूर्य का अंश किरण और अग्नि का अंश स्फुलिंग, वैसे कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति छी शक्ति, जीव शक्ति आर माया शक्ति। कृष्ण की स्वाभाविक तीन शक्तियां हैं, चीज शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चीज शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम तहार वैभवानंद वैकुंठ आदि धाम। तीनों शक्ति का थोड़ा सा परिचय बतलाना चाहता हूं। चीज शक्ति का क्या अर्थ है? चीज शक्ति का अर्थ है स्वरूप शक्ति, भगवान के अभिन्न शक्ति, अंतरंगा शक्ति उसको भी कहते हैं। चीज शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये तीन नाम से प्रसिद्ध है चीज शक्ति। उसी का वैभव अनंत वैकुंठ है। अप्राकृत जगत में जितने वैकुंठ लोक है भगवत धाम, वो चीज शक्ति का विलास है। चीज शक्ति के अनंत वैभव है, अनंत वैभव, सच्चित आनंद कृष्ण र स्वरूप, अतएव स्वरूप शक्ति है तीन रूप। चीज शक्ति के भी तीन डिवीजन है, सत चित आनंद। सत अंश की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है संधिनी। संधिनी का मतलब कि जिस शक्ति से भगवान की सत्ता की रक्षा होती है, जिससे अनादि काल से अनंत काल तक भगवान हैं, उनकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, परमानेंट सत्ता है, उसको कहते हैं संधिनी सत शक्ति। चित अंश की अधिष्ठात्री शक्ति का नाम है संबित। संबित मतलब ज्ञानमय, चितमय, अपने आप को, हमको या और दूसरों को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है या ज्ञान कराया जाता है, वो जिस शक्ति के द्वारा, उसको संबित कहते हैं। भगवद गीता में कहते हैं ना, मैं ही सबको ज्ञान देता हूं, अज्ञान भी देता हूं, ज्ञान अपोहनम च, वो है संबित, जिसके द्वारा भगवान सर्वदा आनंदित रहते हैं, कोई टेंशन बाजी नहीं, उसको कहते हैं हलादिनी, श्रीमती राधा रानी। आनंद अंश से हलादिनी, सत अंश से संधिनी, चित अंश से संबित, जारे ज्ञान करी मानी।
अब माया शक्ति, माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण ताहर वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण। ध्यान से सुनिए, चीज शक्ति के विषय में क्या कहे, चीज शक्ति स्वरूप शक्ति अंतरंगा नाम ताहर वैभव अनंत वैकुंठ आदि धाम। चीज शक्ति का वैभव है वैकुंठ, और माया शक्ति का, माया शक्ति बहिरंगा जगत कारण ताहर वैभव अनंत ब्रह्मांडेर गण। समझ रहे ना, इस माया शक्ति का वैभव है ब्रह्मांड, अप्राकृत वैकुंठ ची शक्ति का वैभव है, माया शक्ति का वैभव है ब्रह्मांड। ये जड़ माया शक्ति की अवस्थिति है प्राकृत ब्रह्मांड में। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक ही स्थान पर साथ साथ नहीं रह सकते, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार भगवान और माया एक साथ नहीं रह सकते। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय में वर्णन है, विलज्ज मानया जस्य स्थातु मिक्षा पथे मुया। जीवों को सताती है ना, इसके कारण भगवान का फेस नहीं कर पाती है, सामने नहीं जा पाती है। जब भगवान की शक्ति है तो फिर भगवान के साथ उसका संयोग क्यों नहीं होता। शक्ति और शक्तिमान का संयोग तो चिर प्रसिद्ध है, होना ही चाहिए। इसका उत्तर है कि भगवान स्वरूप शक्ति के अचिंत प्रभाव से माया उनकी शक्ति होने पर भी उनके साथ किसी प्रकार संयोग की संभावना नहीं है। एत दिशन मीशस्य प्रकृतस्थोपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया। जो लोग परम भागवत है उनकी मन बुद्धि भगवान के आश्रित होते हैं, माइक जगत के सुख दुख आदि में उनकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। इस प्रकार अनेकों प्रमाण अनेकों दृष्टांत देते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान इस कुहक धोखाधड़ी वाले संसार को निरस्त कर देते हैं अपने प्रभाव से, और उनके पास माया शक्ति नहीं आती। स्वतेज सा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम। भगवान गीता में बोलते हैं, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्थया, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे रिते थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि। चतुश्लोकी में तद विद्यादात्मनो माया में यथा भाषो यथा तम। यत आत्मनि च न प्रतीयत, जिसकी अपने आप प्रतीति नहीं होती, आश्रय के बिना उसकी स्वतः प्रतीति नहीं होती। यद्यपि भगवत प्रतीति न होने पर माया की प्रतीति होती है, माया का प्रभाव दिखता है, तथापि माया सर्वदा ही भगवत आश्रय में रहती है, लेकिन बहिरंगा। जैसे किसी राज दरबार में कुछ अंतरंगा दासियां होती हैं भीतर रानी के साथ रनिवास में, कुछ बाहर भी होती हैं, वैसे भगवान के सेवा में ही वो लगी हैं माया शक्ति। और इसके साथ साथ जीव शक्ति, तीन शक्ति में जीव शक्ति की क्या परिभाषा है, जीव शक्ति तटस्थाख्य नाही जार अंत मुख तीन शक्ति तार विभेद अनंत। जीव भगवान का ही अंश है, लेकिन वो भगवान से दूर हो गया है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संगान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। विष्णु पुराण में भगवत गीता में अपरे मितस्तन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धारेत जगत। वो तटस्था शक्ति है, न अंतरंगा में है न बहिरंगा में, बीच में अपने अज्ञान के कारण बहिरंगा के थपेड़ों को खाता रहता है। के आमिका तो हो गया, कि मैं कौन हूं, मतलब ईश्वर का अंश हूं, सनातन उनका सेवक हूं, लेकिन दूसरा प्रश्न है केने आमार जारे तापत्र, क्यों हमको तीन ताप जला रहा है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल गया है, कृष्ण भूली से ही जीव, वही जीव जो भगवान का अंश है, स्वरूप से कृष्ण का नित्य दास है, दासत्व को भूलकर माया का सुख लेना चाहता है, इसलिए माया उसको दुख देती है।
माइक उपाधि को स्वीकार कर लिया दासत्व को छोड़कर, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जादव हूं, मैं गुजर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं विधायक हूं, मैं एमपी हूं, दुनिया भर उपाधि ग्रस्त होकर वह मरता है। यह है उसके बहिर्मुखता का कारण, कि बहिर्मुखता का हेतु कृष्ण को भूलना है। कृष्ण स्मृति के कारण कृष्ण सेवा का सौभाग्य जिनको मिलता है उनको फिर कोई भी कृष्ण विस्मृति उत्पन्न नहीं कर सकता, तब ये स्वरूप शक्ति की कृपा पात्र हो जाता है। वे सालोक आदि पांच प्रकार के मुक्ति सुख की भी इच्छा नहीं रखता, अतः ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके लोभ से वो कृष्ण को भूले। अनादि बहिर्मुख का अर्थ अनादि काल से बहिर्मुख, कृष्ण में मन रखना ही अंतर्मुखता है। कृष्ण को भूलकर माइक उपाधि में मन रखना ही बहिर्मुखता है। जीव अनादि काल से कृष्ण से बहिर्मुख है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और मायाबद्ध। तो यहां पर केवल मायाबद्ध संसारिक जीव की बात कही जा रही है, नित्य मुक्त की नहीं, जो वैकुंठ धाम में रहते हैं, क्योंकि इसे ही त्रिताप ज्वाला कहते हैं। त्रिताप दग्ध संसारिक जीव के संबंध में सनातन गोस्वामी का प्रश्न है। अनादि बहिर्मुख जीव के अनादि काल से सुख स्वरूप कृष्ण से बहिर्मुख होने पर भी, बहिर्मुख हो गया है फिर भी उसके चित्त में कृष्ण के सानिध्य सुख की वासना है, क्योंकि वो उनका अंश है। इसी सुख वासना की परितृप्ति के लिए वो कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी स्वर्ग, कभी कहां जाना चाहता है, उसी को ढूंढता है, खोजता है, किंतु सुख स्वरूप की ओर पीठ करने के कारण वो वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर पाता। तो जीव स्वतः प्रवृत्त होकर माया के शरणापन्न हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि माया देवी ने सोचा कि वास्तविक सुख को छोड़कर जीव प्राकृतिक सुख भोगने के लिए आ गया, तो चलो इसको भली भांति सुख भोगाना चाहिए। ये हमारे देश में आया तो इसको बढ़िया खिलाना, बढ़िया पिलाना, बढ़िया दिखाना, स्त्री सुख आदि सब। इसी विचार से वे स्वरूप ज्ञान को अच्छी तरह से ढक ढोकर आत्मबुद्धि उत्पन्न करा देती है और चित्त में प्राकृत भोगों को भोगने के लिए प्रवृत्त कर देती है। सुनते हैं कि अनादि काल से ही पशु पक्षी लता गुल्म विविध प्रकार के जीव इस माइक ब्रह्मांड में है। एक प्रश्न हो सकता है ना कि भाई कर्मों के फल से कोई जीव बनता है, कीड़ा, कोई फतिंगा, कोई सुअर, कोई गधा, लेकिन पहले से ही सृष्टि में ही शुरू ही हुआ वो कीड़ा फतिंगा सुअर आदि से, वो कौन थे? कभी कभी विचित्र उलझाने वाली बातें आ जाती है कि कोई भी पेड़ बिना बीज के नहीं बनता और बिना पेड़ के बीज नहीं बनता। तो एक सवाल यह है कि पहले बीज की पहले पेड़, क्या उत्तर है? पहले कौन था? अगर कहते हैं कि बीज है तो फिर प्रश्न होगा कि बीज कहां से आया? पेड़ होगा तभी होगा, पेड़ होगा तभी बीज होगा, अब बीज होगा तभी पेड़ होगा, तो पहले कौन था? इस तरह की उलझाने वाली बातें है जो समझ में नहीं आता है। प्रश्न उठता है कि यदि सबके लिए एकमात्र कृष्ण बहिर्मुखता ही संसार भोग का हेतु है तो भिन्न भिन्न जोनियों को क्यों प्राप्त होते हैं? पाप करने के कारण मनुष्य को गधा बनना पड़ा, सुअर बनना पड़ा, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से जो सुअर गधे हैं वो कौन है? वो कब पाप किए थे? संसार में आने के पश्चात तो नए नए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, नए नए जोनियों में जन्म, किंतु अनादि काल से विभिन्न जोनियां है ना, कि खाली मनुष्य की सृष्टि हुई या पाप करने के कारण फिर सुअर बनना पड़ा, गधा बनना पड़ा, सृष्टि के प्रारंभ से है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण बहिर्मुखता की तरह जीव के कर्म भी अनादि हैं, और अनादि कर्म वैचित्र्य के कारण अनादि काल से बहिर्मुख जीव की विभिन्न जोनियों में जन्म होता रहता है। ये बड़ा दुरूह विषय है, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। जब उपाय पता है कि इस उपाय से हम भगवत धाम जाकर सुखी हो सकते हैं, तो बस उस उपाय को स्वीकार करना चाहिए। संसार का दुख, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि ये सब लगा हुआ है,
विविध प्रकार के आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक दुख है, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए, दंड जेना राजा जन नदी ते छुबाए। कभी स्वर्ग में ले जाती है कर्मों के फल से, कभी नरक में डुबाती है, जैसे राज कर्मचारी लोग अपराधी को ले जा करके नदी में डुबाते हैं। महाप्रभु बड़ी व्याख्या के साथ वर्णन कर रहे हैं, एकादश स्कंध में दूसरे अध्याय में भागवत धर्म का निरूपण करते हुए कवि जी कहते हैं, भयम द्वितीया अविनिवेशतः स्यात् ईशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुधा भजे तम भक्तैकयेशम गुरुदेवतात्मा। भगवान से विमुख जीव को स्वरूप की विस्मृति होती है, उसके कारण देह में आत्माभिमान उत्पन्न होता है, देह इंद्रिय आदि अभिनिवेश से भय उत्पन्न होता है। ज्ञानी व्यक्ति को गुरु में इष्ट बुद्धि करके, प्रियता बुद्धि स्थापित करके, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा भगवान की अभिवेचारिणी भक्ति करे। ईश्वर से विमुख होकर हम लोग दुख सह रहे हैं और ये विमुखता अनादि काल से है, हमको उनके विषय में ज्ञान नहीं है। स्वरूपानुबंधनी बुद्धि की विपरीत बुद्धि हो गई है, जो हमको कृष्ण के लिए सोचना चाहिए और कृष्णेतर वस्तुओं के फेरे में पड़े हैं, यह हमारी दुर्दशा है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय पर ज्यादा जोर देना चाहिए, गुरु महाराज का यह कहना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कैसे विमुख हो गया, क्या हुआ, हुआ हुआ हो गया ना, अब जो करना है उस पर ध्यान दो ना, क्यों हुआ के चक्कर में क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, हो गया जैसे भी हो गया, रोग हो गया कैसे हुआ क्यों हुआ ऐसा क्यों किया, इसी के चक्कर में उसको मारोगे कि इलाज कराओगे? के आमिके ने अमाय जारेता पत्र यह नहीं जानी अमिके मने हित है, तो अब के मने हित है पर विचार कीजिए। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख है से जीव निस्तरे माया तहारे छड़ाए। साधु शास्त्र की कृपा से जीव यदि कृष्णोन्मुख हुआ, कृष्ण की ओर गया, तो उसको माया छोड़ देती है। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंतिते। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। अगर वह गुरु के शरण में आकर उनकी सेवा करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके भजन करता है तो माया से छूट जाएगा। दैवी है सा गुणमयी माया दुरतया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंतिते। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। जीव को स्वतः भगवान के विषय में ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए कृष्ण ने कृपा करके वेद पुराण भगवत गीता आदि का निर्माण किया। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना जनान, भगवान शास्त्र के रूप में गुरु के रूप में अपने विषय बताते हैं। कृष्ण मोर प्रभु ताता जीवेर है ज्ञान। जब जीव को यह पता चल जाए कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं, हमारे पालक हैं, यह है संबंध तत्व, अविधेय तत्व, प्रयोजन तत्व। हमारे असली निजी संबंधी हैं कृष्ण, और कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय है अविधेय भक्ति, और उस उपाय के द्वारा जो प्राप्तव्य प्रयोजन है वो है कृष्ण प्रेम। संबंध तत्व श्री कृष्ण, अविधेय तत्व भक्ति, प्रयोजन तत्व प्रेम। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्त साधन। अविधेय को भक्ति, प्रयोजन पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, ये जो है प्रयोजन। और इसमें कृष्ण सेवा, कृष्ण सुख, कृष्ण के प्रेम का आनंद की अनुभूति होती है। इसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं महाप्रभु। एक दरिद्र व्यक्ति दर्दर भीख मांगता घूम रहा है, तब तक एक ज्योतिषी उसको देखा, उसके ललाट को हाथ को, कहे रे भाई तुम इतना दुख क्यों भोग रहे हो, तुम इकेने दुखी, तुम्हारा अच्छे पितृधन, तुम्हारे बाप दादा का तो गाढ़ा हुआ संपत्ति है, सोने का कलश है तुम्हारे घर में, तोरे ना कहिला अन्यत छाड़ी ल जीवन, पिताजी तुमसे बतला नहीं पाए और बीच में उनकी मृत्यु हो गई, सर्वज्ञ रे वाक करे धने रे उदेश किधर धन है, ऐसे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेश है,
ऐसे ही वेद पुराण हमको बतलाता है कि तुम्हारा असली धन कहाँ है। सर्वज्ञ वाक मूल धन अनुबंध है, सर्वशास्त्र उपदेश कृष्ण से संबंध। हमारा असली धन कृष्ण है। बापेर धन आछे ज्ञाने धन नहीं पाए, तबे सर्व कहे तारे प्राप्ते रह उपाय। कहाँ है, किस घर में, किस कोने पर, पूरब की, पश्चिम, उत्तर की, दक्षिण, कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा, कहाँ है तो बताते हैं। देखो यही स्थान है आछे धन, यदि दक्षिणे खुदीबे इस स्थान पर धन है, अगर दक्षिण तरफ खोदोगे मधुमक्खियां ऐसी उठेंगी कि तुमको डंग मारकर परेशान कर देंगी। पश्चिम खोदेबे, अगर थोड़ा सा पश्चिम खोद दिया यक्ष उत्पन्न होगा, धन नहीं मिल पाएगा, कब्जा कर लेगा। उत्तरे खोदेबे अच्छे कृष्ण अजगर, कालाजगर उत्पन्न होगा, तुमको निकल जाएगा। पूर्वे दिखे ताते माटी अल्प खुदे थे, और पूरा तो थोड़ा सा माटी हटाओगे धनेर जाड़ी पाईबे तुम्हारे हाथे। वेद शास्त्र इसी प्रकार उपदेश करता है। वेद कहता है कर्म ज्ञान जोग तजी, भक्ते कृष्ण बस है भक्ते तार भजी। देखो ये चार दिशा है, कर्म दिशा, ज्ञान दिशा, अष्टांग योग, इसको छोड़कर भक्ति योग का आश्रय लो, तब मिलेंगे कृष्ण। न साधेति माम जोगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तप त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। योग को छोड़ो, अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग, भक्ति योग का आश्रय लेने पर मिलते हैं मेरी ऊर्जिता भक्ति। भक्त्या अहमेकया ग्राह्य श्रद्धा आत्मा प्रिय सताम, भक्ति पुनाति मत निष्ठा स्वपाका नाम अपि संभवात। एकदम नीच से नीच व्यक्ति भी भक्ति से मुझे प्राप्त कर देता है। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्ति रो पाए, यही भक्ति अभिधेय है। धन पाइले जैसे सुख भोग फल पाए, सुख भोग हईते दुख अपनी पलाए। सुख मिल गया तो दुख अपने आप चला जाएगा। मुख्य संबंध है श्री कृष्ण। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। ये सब सिद्धांत है, बड़े विस्तार से महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। उनको कोई जल्दीबाजी नहीं हमारे जैसा, दो महीना रुक कर शांति से एक एक चीज को समझाए। हम लोगों को तो दो महीना का कोर्स एक दिन में ही सुनने का टाइम नहीं है। इस तरह से समझने का कोशिश करो। मुख गौण वृत्ति की अन्वय व्यतिरे के वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। सारा वेद पुराण कृष्ण का निरूपण करता है, कृष्ण को ही संबंध तत्व बताता है। वासुदेव परावेदा, वेद जो है वासुदेव के परायण है। वासुदेव परामखा, यज्ञ वासुदेव के परायण है। वासुदेव पराजोगा, वासुदेव पराक्रिया। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति ही। ये भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 28-29 नंबर का श्लोक है। जो कहता वेद जो है वासुदेव के परायण है, यज्ञ वासुदेव के लिए किया जाता है, योग का आचरण वासुदेव के लिए किया जाता है, सारी क्रियाएं कर्म कांड आदि कुछ भी वासुदेव के लिए, ज्ञान वासुदेव के लिए जानने के लिए, तपस्या वासुदेव के लिए, धर्म का आचरण वासुदेव के लिए, और वासुदेव की प्राप्ति ही जीवन की अंतिम गति है। चारी वर्णा समी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करियाओ से रौरव पड़ी मजे। जब तक कृष्ण का भजन नहीं होगा तब तक तो नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार जब भागवत सिद्धांत का वर्णन करने लगे सुत गोस्वामी, भागवत में 10 विषयों का वर्णन है, तो कहते हैं कि देखिए सबसे अंतिम विषय जो आश्रय तत्व है उसी को फोकस करने के लिए 9 विषयों का वर्णन किया गया। जब श्रीधर स्वामी दशम स्कंद पर टीका लिखने लगे तो उसके भूमिका में लिखते हैं, दसमे दशमम लक्ष्यम आशिताशय विग्रहम श्री कृष्णाख्यम परम धामम जगत धामम नमामितम।
जो आश्रितों के आश्रय विग्रह हैं, जितने टिके हुए लोग हैं, जो सबके मूल आश्रय हैं, जो जगत समूह के आश्रय हैं, श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के लक्ष्य वही श्री कृष्ण है। दसम पदार्थ माने आश्रय पदार्थ को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसके साथ साथ जो दस लक्षण बताया गया, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, उसको भी परिभाषित करते हैं। कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वैय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण के स्वरूप पर विचार करना है, वह अद्वैय ज्ञान तत्व है, ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन, इस पर विचार करेंगे और बड़ी विस्तार से विचार किए हैं, इसको दूसरे सत्र में पूरा किया जाए। हरे कृष्णा।